हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंत तक ज़रूर देखें, तब अपना लाइक कमेंट जो भी करें सभी हमें स्वीकार है। तो टॉपिक मैंने ये चुना है कि प्रतियोगी परीक्षा में मुन्ना भाई कौन है, क्योंकि बीएसएससी में मुन्ना भाई सीटर इसका उसका विरोध हो रहा है। आखिर है ये लोग कौन? तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए कि इसका इलाज ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मुन्ना भाई के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुन्ना ज्ञान का मिसयूज है, मुन्ना भाई धन लोभ से प्रोड्यूस है, मुन्ना भाई दोस्तों के संघर्षों से अनजान है, मुन्ना भाई खुद के स्वार्थों से फलीभूत है, मुन्ना भाई समाज की नकलों से फलीभूत है, मुन्ना भाई खुद के खुद के संघर्षों से उपजी क्रोध का बाई प्रोडक्ट है, मुन्ना भाई इन्हीं क्रोधों के कारण सेटर के लिए बेहतर यूज है, मुन्ना भाई और भी बहुत सारा बात मुन्ना भाई के लिए हो सकता है, लेकिन और कुछ उदाहरणों से समझते हैं, कुछ और बातें करते हैं कि हम तुम वे सभी किसी न किसी रूप में हम में भी मुन्ना भाई विद्वान हैं, जो थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए दूसरे की ज़रूरतों का ज्ञान नहीं रखते हैं, भान नहीं रखते, सभी मुन्ना भाई कुछ ना कुछ हैं, इसको इस प्रकार से समझते हैं। अब बात तो वही हुई साहब कि जब रात को चोर आता है और भीड़ चोर के पीछे, चोर चोर चिल्लाना शुरू करती है और चोर भी भीड़ में प्रवेश कर चोर चोर चिल्लाने लगता है और भीड़ को चोर मिलता नहीं, क्योंकि चोर भी अब क्या है, भीड़ का हिस्सा हो गया है। उसी प्रकार ये मुन्ना भाई भी हमारे ही भीड़ का हिस्सा है, हम ही में से एक ना एक कोई है जो अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार का काम करता है। अब दूसरा उदाहरण ये लेकर चलते हैं कि धूम्रपान से संबंधित जो प्रोडक्ट बेचने वाले या विज्ञापन करते हैं कि इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं और दोनों का अपना अपना तर्क होता है, कंपनी और यूजर का अपना अपना तर्क होता है। कंपनी तर्क देती है कि लोग यूज करना छोड़ दे तो हम बेचना छोड़ देंगे, यूजर कहते हैं कि कंपनी बेचना छोड़ दे तो हम यूज करना छोड़ देंगे। कुछ यही स्थिति सेटर मुन्ना भाई या सेटिंग कराने वाले में होता है कि सेटर सेटिंग कराना छोड़ दे तो हम सेटिंग करवाना छोड़ देंगे, मुन्ना भाई की हमको काम मिलता है, हम काम करते हैं, हमको पैसा मिलता है, सेटर अपना काम करना छोड़ दे। तो ये सब कुछ कुतर्क समाज में है, मुन्ना भाई से रिलेटेड कह सकते हैं। अब ये जो ऊपर हमने तुलना किया, 100% तुलना नहीं किया जा सकता है, लेकिन बात तो स्थिति एक ही है कि दोनों जगह का जो सुधार है, उधर धूम्रपान वाले का सुधार, इधर मुन्ना भाई नाम के धूम्रपान का जो सुधार है वो किस पे निर्भर करता है। दोनों स्थिति में सुधार तो सोच के बदलाव पे निर्भर करता है, और जब तक सोच में बदलाव नहीं होगा ये मुन्ना भाई का विरोध और ये करते रहिए, कुछ ना कुछ हर वक्त चला है और चलता ही रहेगा। इस स्थिति में जब लोग खुद में सुधार नहीं करना चाहेंगे, जब अपनी ज़रूरत पड़ेगा तो आप विरोध कीजिएगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगा वो विरोध करेगा, और सब में कुछ ना कुछ अंश तक मुन्ना भाई का अंश उपस्थित है अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो हमारा ये वीडियो में बस इतना ही दोस्तों था, बात अच्छा लग रहा है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, फैलाएं और खुद में सुधार करें और खुद से बेहतर करिए जीवन में। और ये बातें कुछ लोग को ही समझ में आएगा, क्योंकि कुछ लोग जो समाज के नकल करने का तरीका है उससे 100% हैं कि हाँ जमाना ऐसा ही है, ऐसा ही चलोगे तो आसान है, ऐसा ही चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इन लोगों को हमारे वीडियो पर कोई प्रभाव हमारे बातों का नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, दुम ना सीधी होने वाले लोगों में से हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो में इतना ही, आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत